ये हमारे बीएससी वाले बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं, तो क्या बीएससी वाले बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, कि जो हॉस्पिटल डिपार्टमेंट की बैकबोन है, जैसे कि डॉक्टर्स के बारे में सबको पता है कि डॉक्टर क्या करते हैं, बट नर्सिस का रोल कहीं ना कहीं छिप जाता है पीछे, वो बिहाइंड द कैमरा वर्क करते हैं। जैसे एक वही कहावत मुझे याद आ रही कि जैसे भगवान तो हमारे हैं, भगवान तो परोपकार करते हैं, लेकिन देवी देवताओं का बहुत बड़ा रोल होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो डॉक्टर तो भगवान के रूप में है ही हमारे बीच में, है ना सर? जी जी, लेकिन जो हमारे नर्सेज हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो एक देवी देवता के रूप में, यानी कि हम अपने आप को देवी देवता भी बना सकते हैं, समझ सकते हैं। हेलो टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित राणा बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ साथ जो बच्चे हमारे बीएससी नर्सिंग वाले चैनल पर जुड़े हुए हैं, आप सभी का एसआर नर्सिंग क्लासेस में भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि साथियों, यहाँ पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, और अकेले हम चर्चा नहीं करेंगे। हमारे साथ में यहाँ पर हमारे बीच में अर्जुन सिंह जी उपस्थित हैं, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर रखी है और आज की डेट में वो सीएचओ के पोस्ट पर अपना कार्यरत संभाले हुए हैं। तो एक क्वेश्चन बच्चों के सवाल दिमाग में उठता है कि बीएससी नर्सिंग क्या है सर? ठीक है, बीएससी नर्सिंग अगर आप करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं कि एएनएम आपका सबसे पहले आता है, फिर जीएनएम आता है, फिर आपका आता है बीएससी नर्सिंग, फिर आता है पोस्ट बीएससी नर्सिंग। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि एएनएम करना चाहिए कि जीएनएम करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे साथी हैं हमारे जो जिन्होंने अपना क्लास 12th में बायो लिया है, लेकिन फिर भी वो जीएनएम कर लेते हैं। उनको जानकारी ही नहीं होती है कि एक्चुअल में उनके लिए बेहतर क्या है। ठीक है, तो इसी सब पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे बीच में अर्जुन सिंह यहाँ पर है, आ जाइए सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाने के लिए, और हमारे स्टूडेंट को जानकारी मिल सके हमारे नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में। और मैं आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एसआर बीएससी नर्सिंग क्लासेस पर, और नर्सिंग स्टूडेंट का तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जो भी नर्सिंग चैनल पर जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा नर्सिंग फील्ड के बारे में सर ने जैसे कि चर्चा करी है, एक ऐसी फील्ड है सर, मैं बताना चाहूँगा कि जो हॉस्पिटल डिपार्टमेंट की बैकबोन है, जैसे कि डॉक्टर्स के बारे में सबको पता है कि डॉक्टर क्या करते हैं, बट नर्सिस का रोल कहीं ना कहीं छिप जाता है पीछे, वो बिहाइंड द कैमरा वर्क करते हैं। तो जैसे क्या रहता है कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, अब एक डॉक्टर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पेशेंट के 24 घंटे साथ में रह सके, तो उसके लिए नर्सेज हैं, वो आपके 24 घंटे केयर करती हैं। आप हॉस्पिटल कभी गए होंगे, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको दवाई जो डॉक्टर साहब ने लिख दी पर लगाई होगी किसी नर्स ने, दैट इज नर्स एंड दैट वर्क इज नर्सिंग। तो नर्सिंग प्रोफेशन मेनली डॉक्टर को हेल्प करता है पेशेंट को क्योर करने में, उसके ट्रीटमेंट में। और मेरे ख्याल से ये डॉक्टर भी एक्सेप्ट करेगा कि पेशेंट का आउटकम टोटली डिपेंड करता है नर्सिंग की स्किल पे और नर्सिंग की प्रैक्टिस। सही बात है। जैसे एक वही कहावत मुझे याद आ रही कि जैसे भगवान तो हमारे हैं, भगवान तो परोपकार करते हैं, लेकिन देवी देवताओं का बहुत बड़ा रोल होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो डॉक्टर तो भगवान के रूप में है ही हमारे बीच में, है ना सर? जी जी, लेकिन जो हमारे नर्सेज हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो एक देवी देवता के रूप में, यानी कि आप अपने आप को देवी देवता भी बना सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि नर्सिंग लड़की ही कर सकती है। हाँ, ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन था, और यही सबसे बड़ा रीजन है सर मैंने भी बीएससी नर्सिंग नहीं की। हालांकि हमारी मिसेज जो है बीएससी नर्सिंग उन्होंने किया हुआ है, और आज की डेट में देख रहा हूँ कि बहुत सारे मेल भी कर रहे हैं, तो मुझे कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, जहां पर जिस क्षेत्र में चले गए ज्यादा अच्छी बात है। अगर आप जैसे ये हमारे बीएससी वाले बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं, तो क्या बीएससी वाले बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको जब भी आपने ये टॉपिक ही करा है कि मतलब कौन कर सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन लोग बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे हमारे एलिजिबिलिटी जो है बच्चों नर्सिंग प्रोफेशन के लिए, आप एज अ स्टूडेंट कैसे एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले आप 10+2 क्लियर होना चाहिए, आप चाहे मैथ्स से हो और आप चाहे बायो से हो, क्लियर है इतना। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि मैथ वाला क्या करेगा और बायो वाला क्या करेगा। बच्चों, मैथ वाले के साथ थोड़ी रिस्ट्रिक्शन ये हो जाती कि वो सिर्फ जीएनएम कर सकता है या एएनएम कर सकता है, और बायो वाला क्या कर सकता है बच्चों, वो बीएससी नर्सिंग भी कर सकता है, जीएनएम भी कर सकता है और एएनएम भी कर सकता है। बट इसमें थोड़ा डिफरेंस है बच्चों, जीएनएम और एएनएम एक डिप्लोमा है और बीएससी नर्सिंग बच्चों एक डिग्री है। और इसमें बेस्ट की बात करूं, वैसे बेस्ट क्या है एक्चुअली डिपेंड ऑन द कंडीशन। अगर आपने मैथ किया तो आपके लिए बेस्ट जीएनएम है, आपने अगर बायो किया आपके लिए बेस्ट बीएससी है। क्यों? जीएनएम सर मैं बताना चाहूंगा, जीएनएम एक है एक डिप्लोमा, ये 3 ईयर का कोर्स है, एएनएम 2 साल का कोर्स है। जीएनएम को हम लोग बोलते हैं जनरल
नर्सिंग, मिडवाइफ। और एनम को बोलते हैं हम ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। और बीएससी नर्सिंग बहुत क्लियर है, ग्रेजुएट डिग्री है आपकी, डिग्री जाती है जी जी, बट ये 4 ईयर का है। हाँ, ये 4 साल आपको टाइम थोड़ा, डॉक्टर 5 साल का, तो एमबीबीएस 5 साल का है, तो 4 साल ये बीएससी नर्सिंग की होगी। वेरी गुड। तो एक एक जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि जब मैंने बताया था कि एनएम क्या है, जीएनएम क्या है, बीएससी नर्सिंग क्या है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग क्या है, वो भी सर आपसे अभी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बताता हूं मैं। एनएम और जीएनएम, जीएनएम अगर जैसे मैथ वाले बच्चे हैं तो जीएनएम करेंगे, ये ज्यादा बेटर रहता है उनके लिए। एनएम जो होते हैं ये मुझे ऐसा लगता है 2 साल का कोर्स है जी। तो एनएम, बट मैं कुछ एनएम पे प्रकाश डालना चाहूंगा, आपने जब बात करी एनएम की तो मैं थोड़ा इधर कर। एनएम क्या है, एनएम को लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं। एनएम जो है इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी सोसाइटी में कि हम आप सोच नहीं सकते। हमारा बच्चा, आपकी भी एक छोटी बेटी है, ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा इम्यूनाइजेशन होता है, हमारा भविष्य किस पे डिपेंड करता है कि हम बचपन में नींव कितनी मजबूत करी हमने। अब बच्चे का इम्यूनाइजेशन जो होता है पूरा एनएम बहन जी करती है हमारी। अच्छा अच्छा, मतलब जो आंगनवाड़ी में जो लोग होते हैं। नहीं, आंगनवाड़ी सर डिफरेंट हो जाता है। एनएम का रोल क्या होता है कि जैसे इनका मेनली वर्क होता है कि प्रेग्नेंट लेडीज और हमारे जो छोटे बच्चे हैं या फिर जितने भी गवर्नमेंट स्कीम चला रही है रूरल एरिया में रिलेटेड टू मदर, प्रेग्नेंट मदर और बच्चों को, वो सारी एनएम कवर करती है। अच्छा, जो केयर टेकर होते हैं सर, कैसे केयर टेकर सर, मतलब जैसे मेडिकल लेवल पर केयर टेकर्स को जो लोग रख लेते हैं। नहीं नहीं, वो जीएनएम, नहीं जीएनएम पोस्ट बीएससी होते हैं। अच्छा, वो जीएनएम पोस्ट जी होते हैं, बट एनएम वो आप बात कर रहे हैं होम बेस्ड केयर। हाँ हाँ, होम बेस्ड केयर वो एक अलग चीज है। एनएम का क्या रोल होता है, इम्यूनाइजेशन में होता है कि जैसे बच्चों का टीकाकरण, माता लोगों का टीकाकरण, प्रेगनेंसी के दौरान एएनसी सर्विसेज जो होती है, मतलब वजन चेक हुआ, बीपी हुआ, सब एनएम ही करती है। तो अगर मान लो किसी गर्भवती महिला को अच्छी जब केयर मिलेगी, अच्छा उसका बच्चा होगा, उसको अच्छा जब इम्यूनाइजेशन मिलेगा, वो अच्छी ग्रोथ करेगा, तभी तो हमारे देश का भविष्य बनेगा। सही बात, बिल्कुल सही। तो एनएम का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब है एनएम को बहुत हल्के में नहीं लेना। हाँ, बिल्कुल नहीं। और शुरुआत में एनएम ने ही नर्सिंग की करी है। सही है। पहला कॉलेज भी एनएम का ही हुआ था। अच्छा, उसके बाद में जीएनएम हुआ, उसके बाद बीएससी हुई। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बताएंगे सर कि जो बीएससी तो समझ में आ गया कि बायो वाले जो बच्चा होगा वो बीएससी भी कर सकता है, जीएनएम भी कर सकता है, एनएम भी कर सकता है, लेकिन मैथ वाला बच्चा जीएनएम और एनएम कर सकता है। तो पोस्ट बीएससी का क्या मतलब? मैं बताता हूँ, पोस्ट बीएससी का रोल क्या है, ये एज अ ब्रिज काम करती है किसके बीच में, जीएनएम और बीएससी। जैसे एक बच्चा है या एक यंगस्टर है, वो बेचारा अभी अनएम्प्लॉयड है और उसे चाहिए कुछ कार वगैरह, तो वो किसका सहारा लेगा, एजुकेशन का लेगा, किसी एम्प्लॉयमेंट का सहारा लेगा। वैसे ही जीएनएम का बच्चा है, वो अभी नर्सिंग फील्ड में एंटर तो किया है बट वो सेटिस्फाइड नहीं है। वो इक्विवेलेंट बीएससी नर्सिंग की होना चाह रहा, बट उसने मैथ लिया था, इसने बायो लिया था, वो नहीं कर पाया, तो इसके लिए वो पोस्ट बीएससी कर ले और इक्विवेलेंट टू जीएनएम बीएससी नर्सिंग। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया होगा आप लोगों का सर का कहने का मतलब है कि पोस्ट बीएससी क्या है। एक्चुअल में जो मैथ वाले बच्चे होते हैं वो जीएनएम कर लेते हैं, अगर वो एक एक साइड में अपना एक डिप्लोमा या और भी कुछ ग्रेजुएशन बढ़ा लेते हैं तो इसके काबिल हो जाते हैं। और क्लियर करता हूँ, ये 2 साल का कोर्स है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और जीएनएम के बाद आपको पोस्ट बीएससी करके आप बीएससी नर्सिंग के इक्विवेलेंट हो जाते हो। यहाँ पे आप क्लिनिकल या टीचिंग आप कुछ भी करना चाहें आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे जीएनएम केवल किया है तो हम टीचिंग कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, तो टीचिंग करने के लिए हमें पोस्ट बीएससी नर्सिंग करना पड़ेगा। ये तो मेरी पर्सनल एडवाइस है, जो भी बच्चा जीएनएम कर रहा हो, करने वाला हो, वो पोस्ट बीएससी के लिए बिल्कुल ही जाए। ठीक है, और बताऊं पोस्ट बीएससी या जीएनएम या बीएससी की गवर्नमेंट सीट्स बहुत हैं। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत हैं। इसमें सबसे बड़ा है एएसएमसी, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज। क्या है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जितने भी जिले के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे सबको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, ये तो काफी बेहतर। तो ये मेडिकल के हिसाब से सबसे बढ़िया स्टेप है सरकार का कि जितने भी जिले हैं उतने ही मेडिकल कॉलेज हो गए, तो उतने ही मेडिकल सीट्स हो गए, तो जब एमबीबीएस होगा तो नर्सिंग भी होगा, तो उतने ही नर्सिंग की सीट्स बढ़ गए। इसके लिए एग्जाम होता है सीनेट का एग्जाम। अच्छा, जब आप चर्चा ही कर रहे हैं तो फिर क्लियर करते हैं सीनेट। अब ये क्या बला है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। जैसे एक बात यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको टोकूंगा, आप लिखिए कि जैसे कभी अटल बिहारी वाजपेयी करके कोई एक यूनिवर्सिटी है, उसने अपना एक एग्जाम लॉन्च किया, तो वो क्या है? एक्चुअली अब सब खत्म हो गया। अच्छा, यूनिवर्सिटी का रोल बिल्कुल ही खत्म हो गया। अच्छा, सारा डिपेंड हो गया सरकार पे। ठीक है,
आप जाइए सीनेट का फॉर्म भरिए जैसे नीट का होता है, आप क्लियर करिए, काउंसलिंग में बैठिए, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी वाला जो करा रहे थे अपना, जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए वो वाला अब नहीं कॉमन नाम है ना, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट सब खत्म। ओके, यानी कि नर्सिंग अगर आपको करनी है तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और ये एग्जाम कहाँ पर लागू होता है, पूरे यूपी में लागू होता है या अदर? अभी यूपी में है। अच्छा, अभी केवल यूपी में है। यूपी का अगर आप राजस्थान से हैं, बिहार से हैं, तो हो सकता है आपको ये नहीं देना है। अलग चल रहा है, बट एग्जाम हो रहा है, बट अलग है उनका। अच्छा, सीनेट है आपको, क्या है कि आपको यूपी में भी है और मेरे ख्याल से ये ऑल ओवर इंडिया हो जाएगा। बहुत अच्छा है क्योंकि मतलब मोनोपोली खत्म हो गई, ट्रांसपेरेंसी आ गई। आपने एग्जाम बीट किया, आपने मेडिकल कॉलेज अपना ले लिया या प्राइवेट कॉलेज लिया, कुछ भी लिया, अपने अकॉर्डिंग टू स्किल आपको अलॉट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर पोस्ट बीएससी नर्सिंग के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी कि जीएनएम वाले पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। और बीएससी वालों के लिए अपॉर्चुनिटी तो यही है कि अगर आप बायोलॉजी सेंटर किए हैं तो बीएससी आपके लिए 4 साल का है। अच्छा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जीएनएम सर 3 साल का होता है, बीएससी पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2 साल का होता है, दोनों मिलाकर 5 साल लगेगा जी। और बीएससी नर्सिंग केवल 4 साल होगी। तो ये बेनिफिट है बायो वाले बच्चों पर, वही है ना कि बच्चे ने मैथ लिया तो बेचारा वो जाना चाहता है अगर आप मैथमेटिक्स है। अब अच्छा, बीएससी जैसे हमारे कुछ छात्र यहाँ पर जो जुड़े हैं वो सब बीएससी वाले हैं, उनका मन करता है, बहुत सारे बच्चों का फोन आता है हमारे पास में, सर मैं बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, चाहती हूँ, तो उसके लिए क्या बेटर रहेगा इनके लिए ऑप्शन? बिल्कुल बीएससी के बाद में, बिल्कुल बेटर रहेगा। उन्होंने अपना टाइम खत्म किया है और मुझे ऐसा लगता है कि बीएससी करने के बाद में अगर आपके पास बहुत अच्छा ज्यादा अच्छा खासा पैसा है तब आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा पाएंगे या उतना अच्छा स्किल्स हो। तो बीएससी नर्सिंग में थोड़ा सा बताएंगे सर जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में क्या क्या हो सकती है? अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बीएससी कराए सब, मतलब मेरे भी कलीग्स हैं ऐसे जो बेचारे बीएससी करे या मेरे बैचमेट रहे जिन्होंने बीएससी करके ही बीएससी नर्सिंग करी है। अब उसका बेनिफिट भी मैं बताता हूँ, आप जो 12th पास बच्चा है उससे 3 साल आगे हो जी, क्लियर जी, आपकी कैपेबिलिटीज अलग होंगी जी, आप एकेडमिक लेवल में बहुत आगे चले जाओगे। आप अपने आप को पीछे मत आके आपने बीएससी करी है। अच्छा। आपकी बेसिक नॉलेज बहुत मजबूत होगी जी, आप यूनिवर्सिटी एग्जाम लिख चुके होगे 3 बार, आपकी कैपेसिटी लर्निंग की और स्किल्स सब कुछ अच्छा है, तो आप उसको मतलब आपदा को अवसर बनाइए। अच्छा। आप 3 साल पीछे जरूर हैं लेकिन आप पोटेंशियल लेके आ रहे हो, यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो, आप कॉलेज एक्सपीरियंस कर चुके हो, तो आप वहां पे जाके बीएससी नर्सिंग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और आपने बीएससी नर्सिंग में अगर 4 साल अच्छा परफॉर्म कर लिया, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठेंगे तो क्या होगा कि आपके पास अच्छी नॉलेज होगी, 4 साल आपने बढ़िया करके कॉलेज पढ़ाई करी है आपने, तो आप एक एग्जाम बीट कर देंगे। और अब आप सोचेंगे, आप डाउट आया होगा अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है कि गवर्नमेंट पेपर ही नहीं आया तो हम क्या करेंगे, मैं बताना चाहूंगा साल में हर 6 मंथ पे नॉट सेट होता है। नॉट सेट का अभी नॉट सेट क्या है, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सर मैं बताना चाहूंगा ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है पूरे इंडिया में। इससे क्या होता है, इस एग्जाम के थ्रू बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एग्जाम है। अब इसमें नॉर्सेट के थ्रू एम्स जितने भी हैं ऑल ओवर इंडिया आपको वहीं ज्वाइनिंग दे देंगे। अच्छा, एम्स में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, एम्स में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और मेन चीज साल में 2 बार हो रहा, ये तो अच्छी बात है, जैसे नेट का एग्जाम 2 बार होता है। अब सबके डाउट में आता है सरकारी नौकरी है, पेपर हुआ दिसंबर में, रिजल्ट आया नेक्स्ट अप्रैल में, फिर पेपर, फिर उसमें रिजल्ट में दिक्कतें हुई, फिर वो कोर्ट में चली गई मई में, आपको ट्रेनिंग मिली दिसंबर में, फिर वो केस हो गया सॉल्व हुआ, फिर वो 2 साल आपके खराब हो गए। तो इसमें क्या है, आपके जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आएगा जॉब का उसी दिन उसके रिजल्ट की डेट घोषित कर देंगे, किस दिन रिजल्ट आए। आप सोचिए किस लेवल पे काम होता है, बड़े बहुत बड़े स्तर पे काम। और दूसरी बात, 2 महीने के अंदर एग्जाम करा के रिजल्ट घोषित करते, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है आपकी रैंक, आपका परसेंटाइल, आपका मार्क्स, उसमें बिल्कुल इफ एंड बट का कोई बात नहीं। ये सुनने के बाद में मुझे तो ये लग रहा है कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में एग्जाम होते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर में एग्जाम जो कराए जा रहे वो नॉर्सेट को सौंप दिया जाए। मेरे ख्याल से आप ही कराइए, मेरे ख्याल से नॉर्सेट से सीख लेनी चाहिए बाकी एग्जाम्स को कैसे कंप्लीट कराना है। कंप्लीट कराना है, बिल्कुल सही बात है। तो चलिए इस पर हम लोग कभी अलग चर्चा करेंगे कि गवर्नमेंट एग्जाम कौन कौन से आप दे सकते हैं, वो तो अलग मैटर है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो समझा है वो केवल आपने अभी देखा है कि जो एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, है ना, आपको बीएससी नर्सिंग करने के लिए यानी प्लस टू आप होने चाहिए, क्लास 12th में आपने मैथ ली हो या बायो लिया हो कोई दिक्कत नहीं, मैथ में है तो जीएनएम या एनएम कर सकते हैं, और अगर आप बायो के हैं तो बीएससी नर्सिंग डायरेक्ट कर सकते हैं।
बायोलॉजी से अगर आप हैं और आपने ट्वेल्थ किया है तो आपका सर यही है और मेरा भी यही मानना है कि बीएससी नर्स करना बेटर है। आप वहाँ पे ये मत सोचिए कि हम जीएनएम करके एक साल बचा लेंगे, आप इनडायरेक्टली दो साल खो रहे हो, दो साल खो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद में सर ने बताया कि बीएससी नर्सिंग जो है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपकी कि कहाँ कहाँ पर आप गवर्नमेंट एग्जाम एग्जाम बीट कहाँ कर सकते हैं। अब जो नर्सिंग प्रोफेशन है ये तो हमने देख ही लिया है, जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग के विषय में आपने सर बता ही दिया अच्छे से, थोड़ा सा और ब्रीफली बता पाएंगे कि जीएनएम करने वाले जो हैं वो कौन से होते हैं? मैथ वाले बच्चे हो गए, बीएससी नर्सिंग बायो वाले हो गए, तो क्या ये दोनों इक्विवेलेंट होकर के एक जैसा एग्जाम दे सकते हैं? आगे चल के दे सकते हैं। क्या होता है कि सपोज आपने जीएनएम किया और मैंने किया बीएससी नर्सिंग, जी पेपर आया किस मान लीजिए आपके एसजीपीजीआई की वैकेंसी आ गई, ठीक है, पीजीआई की, एसजीपीजीआई का वैकेंसी आ गई, अब आप फॉर्म डालेंगे? नहीं डाल सकते। आप क्यों नहीं डाल सकते? आपको मिनिमम अभी तो 2.5 ईयर का कर दिया है, एक्सपीरियंस चाहिए। अच्छा, इन 50 बेडेड हॉस्पिटल। अच्छा, ये केवल जीएनएम वालों पर अप्लाई एप्लीकेबल होगा? जी जी, ओके। पहले दो साल का था, अभी न्यू गाइडलाइन जो आई है उसमें 2.5 कर दिया। अब पहले बीएससी वालों, पहले बीएससी वालों के लिए नो एक्सपीरियंस नीडेड था। अच्छा, कोई एक्सपीरियंस अगर बीएससी नर्सिंग किया है तो कोई? अब आप सोचिए सर क्या बेनिफिट है? बेनिफिट है अब क्या है, इन्होंने कर दिया सिर्फ 6 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए, फिर भी इससे तो बहुत बेटर है आप, काफी बेटर है। 2.5 साल इधर, 6 मंथ का, और यहाँ पर 3 साल दे रहे हैं। अब यहाँ पर आपको 1 साल देना है। 3 साल का आप जीएनएम करेंगे, फिर 2.5 साल एक्सपीरियंस लेंगे, लिया है, प्लस आपने पोस्ट बीएससी में पैसा लगाया, तो बहुत लॉस कर रहे हो। सही बात है, मैं जीएनएम वालों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट एक बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट बता रहा हूं। ये जीएनएम तो मैथ वाले बच्चों के लिए हो गया, यानी स्पेशली जो हमारे मैथ वाले बच्चे हैं या इंटरेस्ट आ गया तो उनके लिए ठीक है, लेकिन अगर आपके पास बायो है क्लास 12th में या आप बायो से बीएससी भी कर रहे हैं तो आप लोगों को बीएससी नर्सिंग ही करना चाहिए, सबसे बेस्ट यही ऑप्शन, ठीक है। तो प्रोफेशनल अचीवमेंट क्या रहती है सर इसमें? सर वही बताता हूँ आपको, जैसे प्रोफेशनली क्या होता है, जैसे आप पढ़ा रहे हैं बहुत टाइम से, आपने बहुत बच्चे पढ़ाए, बीएससी करा, वैसे ही नर्सेस को तैयार करने के लिए कोई तो पढ़ाने के लिए चाहिए ना? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? एजुकेटर, एजुकेटर भी चाहिए, बिल्कुल सही। और जो लोग पढ़ा रहे हैं उनकी हेल्थ के लिए भी चाहिए कोई ना कोई, तो आप जा सकते हो स्टाफ नर्स। भाई जो लोग पढ़ा रहे हैं उनकी हेल्थ का भी तो ध्यान रखना है सोसाइटी का, तो इसलिए स्टाफ नर्स हो गया। ये कहाँ होती है? हॉस्पिटल, ये होते हैं कॉलेजेस में, नर्सिंग कॉलेजेस में, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज सेपरेट हो जाती है बच्चों, बिल्कुल स्ट्रीम बदल जाती है। मैं बताना चाहूंगा कि हॉस्पिटल और कॉलेजेस, हॉस्पिटल में क्या है, आप एज अ स्टाफ नर्स ज्वाइन करते, और कॉलेज में आप एज अ नर्सिंग ट्यूटर ज्वाइन करते हो। ये होता है सिर्फ बैचलर डिग्री वाला बच्चा। अच्छा, नर्सिंग ट्यूटर, जी जी। और ये स्टाफ नर्स चाहे आप एमएससी नर्सिंग करे हो, चाहे पीएचडी करे हो, चाहे जीएनएम करे हो, चाहे बीएससी नर्सिंग करे हो, आप हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स ही ज्वाइन करें, यानी कि आपकी एजुकेशन जितनी भी ज्यादा है आपको यही रखना है। हॉस्पिटल में आपकी स्टार्टिंग एज स्टाफ नर्स ही होगी, स्टाफ नर्स ही होगी। कॉलेज में एज नर्सिंग ट्यूटर होगी। अच्छा, नर्सिंग ट्यूटर कौन होते हैं? ये आप बेसिकली क्या होता है कि जो टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं, नहीं वो तो मैं समझता हूँ, नर्सिंग ट्यूटर कौन बन सकता है? सर बीएससी नर्सिंग करने वाला बन सकता है, एमएससी वाला बन सकता है? नहीं, क्या होता है कि आप बीएससी नर्सिंग जब करते हो जी, एमएससी करने के लिए आपको 1 साल की टीचिंग करनी ही है, 1 ईयर। अच्छा, टीचिंग, ओके। तो इस 1 ईयर के दौरान आप नर्सिंग ट्यूटर कहलाते हो, ओके ओके। अच्छा, यहाँ पर 1 साल का पहले टीचिंग एक्सपीरियंस था, मैंने सुना था क्लिनिकल भी होता है? नहीं, नो नीड, नो नीड फॉर क्लिनिकल एक्सपीरियंस। अच्छा, यानी एमएससी करना है तो आपको 1 साल टीचिंग ही करनी पड़ेगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। आप जब एमएससी करके आएंगे आप, तो आप एज अ प्रोफेसर ज्वाइन करिए, एज अ प्रोफेसर, जी जी, यही पूछना चाह रहा था। फिर आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता है, आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, आप लेक्चरर बनते हैं, आप प्रिंसिपल बनते हैं, आप डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, वो तो फिर आगे का चीज है। अच्छा, लेक्चरर भी बन सकते हैं, प्रिंसिपल भी बन सकते हैं, और डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग भी आप बन सकते हैं, क्या बात है यार, यहाँ पर तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जिनको पढ़ाना है या जो पढ़ाना चाहते हैं उनको बीएससी नर्सिंग करना है, फिर एमएससी करना है, अगर बीएससी नर्सिंग से भी जुड़ रहे हैं तो ट्यूटरशिप पे जुड़ सकते हैं, जी जी, है ना, और एमएससी कर लिया तो सो फार सो गुड। और मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे हम सब लोग मिडिल क्लास से हैं, पेरेंट्स ने बहुत जोड़ जाड़ के हमें बीएससी नर्सिंग करा दिया, क्योंकि मुझे जहां तक पता है आपके साथ में
आप उन बच्चों को लेके चल रहे हैं जो कि बेचारे कहीं नहीं वंचित हैं। हाँ, आपका एम ये है कि मतलब जितने ही बच्चे हमारे छूट रहे हैं जो पैसे की वजह से एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं वो कैसे भी करके एजुकेशन लेके और सक्षम बने अपने दम पे। उन्होंने भी एसी नर्सिंग कर ली, पांच के जैसे भी कर लिए, आपने एक साल पढ़ाया या मान लो आपने फैमिली कंडीशन देखते हुए आपने दो साल पढ़ाया, आपकी मिनिमम सैलरी होगी 18 से 20 हजार। क्या बात है यार, बहुत अच्छी सैलरी है। आपने 5 हजार अपने एक्सपीरियंस के लिए उड़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं, आपने फिर भी मिनिमम मेरे ख्याल से 10 हजार तो सेव कर ही लिए। हाँ, कर लिए। हाँ, एक साल का 1,20,000 आपने बचाया, दो साल का आपने 2,50,000 बचा लिया, आपने उस पैसे से एमएससी नर्सिंग कर ली। परफेक्ट, क्या बात है, यानी कि हम इंडिपेंडेंट हो गए, बस हमें एक बार ही पैसा खत्म करना है बीएससी नर्सिंग। आपने एमएससी नर्सिंग कर ली। अच्छा, जैसे कुछ बच्चों का सर ऐसा होता है कि एजुकेशन लोन ले सकते हैं तो कुछ ऐसा भी जाता है? गवर्नमेंट देती है एजुकेशन लोन, गवर्नमेंट देती है। हाँ, वो थोड़ा बैंक का प्रोसेस है, उसके बारे में मुझे इतना क्लियर नहीं जानकारी है, बट मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा बेटा, ये बहुत जरूरी चीज है कि आप अपने दम पे एमएससी नर्सिंग कर। एमएससी नर्सिंग, हाँ, वैसे कुछ जीते जागते एग्जांपल्स हैं, ऐसे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा अपनी वाइफ का। हमारी वाइफ ने एमएससी नहीं किया है। वो क्यों नहीं कर पाए, उसके पीछे रीजन है कि शादी हो गई, फिर थोड़ा सा हम लोग फैमिली में बढ़ गए, लेकिन इनके जो साथ के क्लासमेट थे, कई दोस्त हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन लोगों ने अपनी एमएससी इसी आधार पे की। पहले उन्होंने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद में फिर वो एमएससी अपनी, और ऐसा नहीं कि उनका फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, नहीं, वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी उन्होंने सेल्फ ही उन्होंने किया है। और जब आप सेल्फ करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बेस्ट कॉलेज में जाकर के एमएससी कर सकते हैं, और जब आप फीस अपने हाथ से देंगे तो आप दुगनी मेहनत करेंगे, दुगनी मेहनत करेंगे। ये भी बात सही है, बिल्कुल सही है। आपने एमएससी कर लिया, अब सेम चीज जीएनएम वाले के साथ भी, ऐसा नहीं जीएनएम वाला कहीं से कमजोर है किसी चीज। अच्छा, आपने जीएनएम करा, ठीक है, हॉस्पिटल ज्वाइन करेंगे, आपकी मिनिमम सैलरी होगी 20,000, ठीक है, अच्छे हॉस्पिटल्स, जैसे मैं खुद मैक्स हॉस्पिटल में था। अच्छा, मैक्स में भी काम किया है, बहुत अच्छा, मैक्स वैशाली में था, ऑन्कोलॉजी में। अच्छा, ये लखनऊ में? नहीं नहीं, दिल्ली में। दिल्ली में जी, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन इंडिया। लखनऊ में भी तो है शायद अपना, लखनऊ में शायद, मुझे कंफर्म नहीं, शायद ब्रांच होगी, अपोलो 40, अपोलो है, हमने अपोलो देखी। 20 की सैलरी आपकी आ रही है, आपने फिर 10,000 उड़ाए हर महीने, 10,000 बचाए, बराबर, दो साल काम किया, 240 बचाया, पोस्ट बीएससी उड़ा दी, तो पोस्ट बीएससी में कितना खर्चा आ जाता है मिनिमम? अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 2,00,000 रुपए, 40,000 रुपए पोस्ट बीएससी हो गए, यानी कि आप बीएससी के एकदम इक्विवेलेंट हो गए। और पोस्ट बीएससी में बताऊं, पोस्ट बीएससी कहीं कहीं पे मतलब अच्छे कॉलेजेस में भी नॉन अटेंडिंग हो जाती है। अच्छा, आप मतलब पोस्ट बीएससी करते करते भी आप जॉब कर रहे हो? हाँ, ये भी सुना है, होता है। और ये ऐसा नहीं, ये इलीगल है, इलीगल नहीं, इलीगल है, ये वाला प्रोसेस इलीगल है, क्योंकि आपको नॉलेज तो है और आप पोस्ट बीएससी कर रहे हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा। पर मैं यही कहना चाहूंगा अपने स्टूडेंट से कि आप ज्वाइन करिए रेगुलर, थोड़ा सा डिफरेंस आता है व्हेन यू आर एंटरिंग इनसाइड द क्लास, डिफरेंस आएगा। यस, ऑफ कोर्स। तो यानी कि बात यही है कि अगर आप करना चाहें, मतलब फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक है तो उनके लिए ये ऑप्शन बेटर है, और अगर फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग है तो आप अपना पूरा कंप्लीट करें। ठीक है सर, समझ में आ गया। प्रोफेशनल अचीवमेंट में आपने देख लिया कि जीएनएम भी आपने किया हो या बीएससी नर्सिंग किया हो तो आप एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। अच्छा, एक बात सर यहाँ पर हमें समझनी है कि ये तो हमने देखा, ये क्या गवर्नमेंट सेक्टर में था या प्राइवेट सेक्टर में ऐसा है? मैं दोनों चीजें क्लियर करता हूँ जी, गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, अब होता क्या है कि इतनी पॉपुलेशन हो गई, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब होती है 1,000, अब फॉर्म पड़ता है 2,00,000। सही बात है। अब ऐसा तो नहीं 1,99,000 बेकार है, नहीं, 1,00,000 कोई मिलेगी, 99,000 तो अच्छे ही होंगे कम से कम, बराबर। अब वो बेचारे क्या करेंगे? सही बात, उनके लिए बना है प्राइवेट। हाँ सही है। अब गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या रहता है, थोड़ा डिफरेंस तो क्या रहता है, बट नर्सिंग एक मात्र ऐसा प्रोफेशन है जो कि जिसकी हैबी गवर्नमेंट की तरह ही रहती है, चाहे हॉस्पिटल या कॉलेज हो। आप हॉस्पिटल ज्वाइन किए गवर्नमेंट, आप एज अ स्टाफ नर्स ज्वाइन करोगे, प्राइवेट ज्वाइन करे तब भी आप एज अ स्टाफ नर्स ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करेंगे, बस क्या होगा, सैलरी डिफरेंस तो खैर होगा ही होगा, बट वहां पे भी आप वार्ड इंचार्ज बन जाओगे, आप एएनएस बन रहे हो, आप डीएनएस बन रहे हो, आप एनएस बन रहे हो, आप सीएनओ बन रहे हो। ये प्राइवेट में, प्राइवेट सकते हैं, प्राइवेट में। अच्छा, मैं जहाँ पे काम कर रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, सीएनओ मैडम थी हमारी, आई थिंक बेस्ट होंगी वो, मैंने ऐसा आइडल सामने से देखा उनको वर्क करते तो, हुए। जब अगर बेस्ट है तो आप नाम ले सकते हैं। रसमा जैसे मैडम थी हमारी, बहुत बेस्ट थी वो,
उनका वर्किंग स्टाइल आप कुछ भी मतलब उनको हर समय देख के आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो ये केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए ही नहीं बल्कि प्राइवेट में भी आप और ये सर्विस का क्या ये मतलब ये मुझे पता नहीं है विद द एक्सपीरियंस एंड टाइम योर प्रमोशन फॉर वार्ड इंचार्ज असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड सीएनओ। एक सीएमओ होता है, सीएमओ इज फॉर चीफ मेडिकल ऑफिसर, वो डॉक्टर्स के हैं। अच्छा, वो डॉक्टर के होते हैं। नर्सिंग की ये नर्सिंग में ये सबसे टॉप है, टॉप मोस्ट। यानी कि आप आ सकते हैं, सीएनओ भी आप बन सकते हैं। मैं कह रहा आप यहीं तक पहुंचे, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट एक रियलिटी चेक दे रहा हूं, आप यहीं तक पहुंचे। आप जिस दिन यहां पे पहुंच जाओगे आप सोचोगे सही बात बताई, इतना ग्रोथ है इसमें, इतना ग्रोथ है कि बहुत प्रमोशन, बहुत। अच्छा, ये तो प्राइवेट का सेक्टर है, यानी कि किसी भी हॉस्पिटल में हो सकता है। अगर अगर जो नॉर्सेट वाला आपने बताया था, नॉर्सेट में अगर बच्चा ये क्वालिफाइड करके जाता है एज ए स्टाफ, उसके प्रमोशन होते हैं, उसके प्रमोशन होते हैं, यानी कि उनका सैलरी डिफरेंस तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट मैंने प्राइवेट की बताई, आप ये प्राइवेट सेक्टर की हायरार्की देख रहे हैं। अच्छा, प्राइवेट और ये स्टाफ गवर्नमेंट सेम है, गवर्नमेंट ठीक है। अभी टीचिंग की हायरार्की रहती है, प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग का क्या रहेगा? ये क्लिनिकल की थी, गवर्नमेंट इन क्लिनिकल। अब गवर्नमेंट इन टीचिंग, हाँ ये दोनों ही एक्सप्लेन करें। टीचिंग में क्या सीन रहता है कि आप एज अ नर्सिंग ट्यूटर ज्वाइन करते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको, आपने दो साल का एक्सपीरियंस लिया, अपनी एमएससी करी, आप वापस आए, आपने एज अ प्रोफेसर ज्वाइन किया, आपने एक्सपीरियंस लिया, आप एसोसिएट प्रोफेसर बने, आपने एक्सपीरियंस लिया, आप लेक्चरर बने, आपने इसी बीच पीएचडी कर ली अपने टाइम लेके, आप प्रिंसिपल बने, आप डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग बने, ये प्राइवेट कॉलेज की बात होगी। सेम गो फॉर नर्सिंग कॉलेज इन गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज आप वहाँ भी सेम तरीके से ही ज्वाइन करोगे, सेम तरीके से ज्वाइन करेंगे। अच्छा, ये प्राइवेट सेक्टर में जो जितने भी हमारे प्राइवेट जो शहर में खुले होते हैं वहाँ पर मतलब जो नर्सिंग कॉलेजेस है वहाँ पर हम ज्वाइन कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में जाने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा? सर एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं जी। चलिए, इन सब जो जितने भी मेरे हिसाब से एग्जाम्स होते हैं इन पर हम लोग एक अलग से चर्चा करेंगे, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बड़ा दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारी चीजें सर ने बताई कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई बीएससी नर्सिंग क्या है, ये तो हमने जान ही लिया। इसके साथ साथ हमने देखा कि जो नर्सिंग प्रोफेशन है, मतलब नर्सिंग प्रोफेशन बीएससी नर्सिंग एएनएम जीएनएम बीएससी पोस्ट बीएससी नर्सिंग क्या है देख लिया, उसके बाद प्रोफेशनल अचीवमेंट आपने देख लिया, सभी लोगों ने कितना आप सैलरी कमा सकते हैं गवर्नमेंट में कितना है ये भी हमने देख लिया, ठीक है। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज भी, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी ही एक तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर ली, ठीक है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हमारी हो गई है, तो एक तरीके से देखा जाए तो बीएससी नर्सिंग बेस्ट है ना सर जी? थोड़ा सा ऐड करूंगा, हाँ जी। नर्सिंग मैं इसलिए नहीं ये बात बोलूंगा कि ये हमारा प्रोफेशन है इसलिए मैं इतना तारीफ कर रहा, बहुत से प्रोफेशन है, आप डिफेंस ज्वाइन करिए आप देश की सेवा कर सकते हैं, बट एकमात्र ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कि जितनी आपकी कलम पुरानी होगी आपकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी जी। डॉक्टर और वकील जितने पुराने होंगे उनकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, हाँ, और एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है, आप पैसा तो हर जगह कमाओगे, हर जगह कमाओगे, बट ब्लेसिंग्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्या होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा, हम लोगों ने यूरोबैग क्लियर करे हैं, यूरिन जिसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में हम लोग पेशाब बोल देते हैं, हाँ हाँ। आदमी हाथ लगाने से डरता है कि अपने घर पे नहीं करेगा, लेकिन हम लोग प्राउडली करते हैं कि ये हमारा वर्क है, और वो लोग बदले में ये बोलते हैं कि बेटा जो काम मेरे बच्चों ने नहीं करा वो काम तुम करके जा रहे हो। सही बात है, तो अगर मतलब पैसा इज्जत ब्लेसिंग्स सब कुछ चाहिए, आप एक बार प्रोफेशनल कोर्स जरूर ज्वाइन करिए नर्सिंग। और दूसरी बात, जो मेरे भाई बहन गलती कर गए कि उन्होंने बीएससी, गलती नहीं कहूंगा मैं कि बीएससी कर ली, ऐसा नहीं, बीएससी एक अच्छा कोर्स नहीं है, अच्छा है, बट अगर मिसगाइडेंस की वजह से हो गया तब तो आप लेट आओ कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप 18 प्लस 12th क्लियर करे हो, आप ज्वाइन करेंगे अगर 19 साल में बीएससी नर्सिंग, 23 में कंप्लीट करके निकलेंगे, अगर आपने 25 तक भी एग्जाम बीट कर दिया 25 साल में गवर्नमेंट जॉब में बैठे होंगे। क्या चाहिए अभी आज की डेट में इस सेक्टर को छोड़ करके और गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो 30-35 साल लग जाते हैं और जॉब, और हमारी बीएससी नर्सिंग 4 साल की है, ठीक है, पोस्ट बीएससी 2 साल की है जी। मैं दावे के साथ कहता हूँ बहुत से एग्जाम ही ऐसे होते हैं जिनके रिजल्ट में 2 साल लग जाती है। सही करें सही करें, बिल्कुल सही बात है। तो जैसा कि हम लोगों ने काफी कुछ आज सर से सीखा है और जाना है कि नर्सिंग के विषय में, जैसे मैं तो आप लोगों को गाइडेंस देता। अच्छा सर, एक बात इसमें थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे अगर मान लो किसी एक बंदा है, जैसे मैथ वाला बच्चा हमारा है और वो करना चाहता है, लेट्स सपोज उसने जीएनएम कर लिया, जीएनएम करने के बाद में वो लगे हाथ पोस्ट बीएससी भी कर लेता है,
तो उसके लिए कुछ क्या गवर्नमेंट स्कीम है, कुछ ग्रोथ है क्या वहां पर? समझा नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अगर जीएनएम वाला बच्चा है वो अपना उसने ज्वाइनिंग कर ली, ज्वाइनिंग करने के बाद में क्या वो पढ़ाई कर सकता है साथ में? बिल्कुल क्या पैसे वैसे मिलेंगे उसको? मैं बताता हूँ। हाँ, जो आप बिल्कुल सही पॉइंट आपने याद दिलाया। क्या होता है कि मान लीजिए ये गवर्नमेंट सेक्टर में ही होता है पहली बार। अच्छा, ये गवर्नमेंट में ये थोड़ा सा गवर्नमेंट का फायदा है जी। आपने ज्वाइन किया, आपको 2 साल जैसे ही वर्क करा या मैक्सिमम 3 साल मान लीजिए। अच्छा, आपने 3 साल कंप्लीट किया, आप एजुकेशन लीव अप्लाई कर दीजिए। लीगली आप बता रहे हैं गवर्नमेंट को मैं एजुकेशन लीव लेके जा रहा हूँ। अच्छा। बाकी सारे सेक्टर में रोक देंगे आपको कि आप नहीं जा सकते, इसमें जा सकते हो। अच्छा। और आप एमएससी करिए या हायर स्टडीज करिए, आपकी 50% सैलरी आती रहेगी। 50% सैलरी आपकी आती रहेगी, और ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप जब 3 साल कंप्लीट कर लेंगे आपकी मिनिमम सैलरी 95-1 लाख होगी। हाँ, आराम से होती है। 50,000 आ भी रहा है और आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आपकी फीस मुश्किल से 2 लाख होगी दोनों साल की। आप 4 महीने में अपनी सैलरी हाथ में रख देंगे प्रिंसिपल के जाके। सही है, बहुत बढ़िया। अगर ये देखा जाए तो ये गवर्नमेंट सेक्टर वाले जो हमारे साथी यहाँ पर जुड़े और जिनका मन था कि यार मैं ये काम नहीं करना चाहती है चाहता था, जैसे स्टाफ नर्स वाले स्पेशली हम कहना चाहेंगे, उनको शायद जानकारी नहीं होगी। अगर उनको है तो बिल्कुल कीजिए भाई, बिल्कुल कीजिए। अगर आप पारिवारिक बंधों में नहीं बने हैं और बंद भी गए हैं तो अपना एक डिसीजन लीजिए, क्योंकि आप अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आने के बाद में लोग नहीं करते, अगर मान लीजिए आ भी रहा है और आपके पास गवर्नमेंट जॉब भी है, आप 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं और आप अगर एजुकेशन लीव लेना चाहते हैं, तो बेस्ट है यार 50,000, 49,000 या मान लीजिए 40,000 भी अगर अकाउंट में आ रहा है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी इनकम होती है एक बढ़िया सर्वाइवल करने के लिए। और अपने एजुकेशन को, अपने कहने का मतलब ब्रेन स्किल्स को बढ़ाते रहना चाहिए मेरे हिसाब। डिग्री ज्यादा जितनी होंगी उतना ज्यादा लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे सर इसके अलावा भी हमारे बच्चों से कुछ? मैं यही कहना चाहूंगा कि बस लक्ष्य से कुछ बढ़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। सही बात है। आप कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहिए, ऐसा नहीं है कि आपका दिन नहीं आएगा, दिन जरूर आएगा। वो मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि वो एक पीडीएफ में एक लाइन आपकी जिंदगी चेंज कर देगी, जिस पीडीएफ में आपका नाम लिख जाएगा। आप लगे रहिए, बस एक दिन तो आपका आ ही जाएगा किसी ना किसी दिन। सही बात। बाकी गुड लक और लगे रहिए सारे लोग। और ये प्रोफेशन भी मेरे हिसाब से इतना बेस्ट है कि यहाँ पर आप जुड़ के हेल्थ के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आज की डेट में बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने शायद एक रील देखी थी, कभी कभी इंस्टाग्राम चला लेते हैं, स्क्रॉल कर रहे थे, तो वहां पर एम्स के बाहर, उसमें बता रहे थे कि एम्स के बाहर एक लाइन लिखी हुई थी कि अगर अपने दोस्तों के साथ में या चाहने वालों के साथ में या परिवार के साथ में बैठ करके अगर तुम खुल के हंस लेते और खुल के अपना हंस करके, जाहिर सी बात है हंसेंगे तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हमारा बढ़ेगा, हार्ट अच्छा काम करेगा, हैप्पी हार्मोन्स सेक्रेट होंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे और एंजाइटी के जो सबसे ज्यादा शिकार हो जाते हैं वो नहीं होंगे। तो वगैरह उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ में खुल के हंस लेते तो आज तुम्हारा दिल हमें खोलना ना पड़ता। बिल्कुल सही बात। तो ये बड़ा अच्छी लाइन मुझे लगी जो यहाँ पर बोलना पड़ा, क्योंकि मेरी लाइन नहीं, किसी की सुनी हुई लाइन है, लेकिन बड़ी अच्छी लाइन है और बिल्कुल सटीक और सही बात कही गई कि आप हंसते बोलते रहिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर हम लेकर के आए, ये सिर्फ मैंने एक अवेयरनेस के तौर पर सर से कहा था कि आप सर बोलिए बताइए। आप अगर क्लास 12 पास आउट करके आए हैं तो बिल्कुल आप करिए, लेकिन अगर आप लोग बीएससी कर रहे हैं और आपके पास बजट नहीं है, और बीएससी अगर आपका फर्स्ट ईयर हो चुका है, या मान लीजिए आप देखिए बीएससी में भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि बीएससी हमारा हो रहा है तो आपको डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट डिप्लोमा और डिग्री मिल रही है। अगर 1 साल कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल कंप्लीट कर लिया तो डिग्री मिल रहा है, तो यानी कि ये भी आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। पहले की बीएससी व्यर्थ चली जाती थी, आज से करीबन 2020 से पहले वाली अगर हम बीएससी की बात करें, तो वहां पर जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी सर, तो ऐसा होता था कि बीएससी अगर आपने इस साल करी तो वो साल आपका खराब, फिर आप 2 साल बाद जा रहे हैं तो फिर से आपको स्टार्टअप करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, आप कंटिन्यू कर सकते हैं नए सिरे से। तो मान लीजिए अगर आपने 1 साल दिया है, 2 साल दिया है, अगर आपको लग रहा है कि मेडिकल लाइन में आपको जाना था, आपको डॉक्टर बनना था जो हर एक बच्चे का सपना होता है, तो नर्सिंग प्रोफेशन मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 10 साल कहीं नहीं गया बेटा, 10 साल कहीं नहीं गए। 10 साल तक तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका बहुत ज्यादा स्कोप रहेगा। बहुत, जब तक दुनिया है तब तक बीमारी, जब तक बीमारी तब तक पेशेंट और नर्स हैं। हाँ, पेशेंट और नर्स हैं। और चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी अगर, कभी हाँ। को मैं फार्मेसी को लेके भी ऐसी अवेयरनेस लेके आऊंगा। फार्मेसी हो गई, बीडीएस डेंटल साइंस हमारी हो गई, और भी लैब्स हो गई हमारी, लैब टेक्नीशियन। कहने का अर्थ ये है कि आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेंगी, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ, अब जब आप इतना ज्यादा कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, मैं हर संडे आपको एक नए प्रोफेशन के बारे में आपका अवेयरनेस वीडियो दे दूँ। बहुत बढ़िया। आपका अगला रहेगा आपका फार्मेसी रहेगा। चलिए ठीक है,
देन डिसाइड करते हैं उसके बाद संडे में क्या। अब आप बताइए आप क्या कौन सा टॉपिक पर आप बात करना चाहते हैं, आप बीडीएस पे जाते हैं या फिर आप एमबीबीएस पे ही जाते हैं या आप लैब टेक्नीशियन पे जाते हैं या फिर डीएमएलटी जिसको बोलते हैं या रेडियोलॉजी पे जाते हैं, आप किस पे जाते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात सर ने कह दी और ये सर ने कहा है तो जाहिर सी बात है ये पूरी भी होगी। निश्चिंत रहे, बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जीएनएम वाले चैनल को, सॉरी नर्सिंग वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि सर आप लोगों को वहां पर गाइड करेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी सर का एक रिजल्ट आने को बाकी है, वो जब आएगा तब आप लोगों को बताएंगे, अभी नहीं यहाँ पर रिवील करेंगे लेकिन जरूर। ठीक है, तो ठीक है सर, ओके थैंक यू, ओके ठीक है बच्चों, मिलते हैं।